नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज और कोरोना अपडेट के साथ मैं हूं निशा कश्यप। कोरोना की रफ्तार भले ही थमी हो, लेकिन आए दिन मरीज इससे संक्रमित हो रहे हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में वैक्सीन की 16,17,668 डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1,086 मामले सामने आए, जबकि इससे पहले 5 अप्रैल को 795 नए मामले सामने आए थे। वहीं 4 अप्रैल को ये आंकड़े 913 थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.03% रह गई है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की जान गई, जबकि 1,198 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इसके अलावा सरकार ने पिछले दिनों हुई 66 मौतों के आंकड़ों को आज साझा किया है। वहीं यदि दैनिक सक्रिय मामलों की दर की बात की जाए तो 0.23% रही। गौरतलब है कि अब तक देश में 79.2 करोड़ जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 4,81,374 जांच की गई। इस समय केरल में सबसे ज्यादा 3,345 मामले सक्रिय हैं। महाराष्ट्र में 870, मिजोरम में 912, कर्नाटक में 1,510, पश्चिम बंगाल में 538 और असम में 1,348 मामले अभी भी सक्रिय हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस का खतरा अब और भी बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली में न केवल कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, बल्कि संक्रमण दर भी लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के मामलों में 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। इस तरह बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 112 नए मामले दर्ज किए गए हैं और संक्रमण दर में भी इजाफा देखने को मिला। दिल्ली में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 488 है। यहां गौर करने वाली बात है कि होली से पहले दिल्ली में संक्रमण दर 1% से ऊपर थी और होली के बाद ये गिरकर 0.87% के करीब पहुंच गई है, मगर अब संक्रमण दर फिर से ऊपर उठने लगी है। साथ ही गुजरात में 9 मामले, राजस्थान में 8 मामले, मणिपुर से 7 मामले, उड़ीसा, पंजाब और उत्तराखंड से 5-5 मामले, गोवा में 4 मामले, मध्य प्रदेश से 3 मामले, जम्मू कश्मीर और सिक्किम से 22 मामले और 1-1 मामला आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मेघालय और चंडीगढ़ से सामने आया है। बीते दिन असम, पुडुचेरी, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और दमन दीव से कोई मामला सामने नहीं आया। ये तो थी पूरे दिन की कोरोना अपडेट। ऐसे ही कोरोना अपडेट और कोरोना से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए देखते रहें एचसीएन न्यूज़। धन्यवाद।